पहली गेंद लेकर तैयार संदेश, पहली गेंद पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, जोरदार अपील, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है यहाँ पर योगेश पाटिल ने, मेन बात क्या था, जिन्हें प्यार से पाला कहा जाता है, पर इस सीजन में कंफर्म पाला के नाम से ही ज्यादा फेमस होंगे। क्या बेहतरीन स्टंप से चिपक कर खड़े हैं, आसानी के साथ रिसीव किया दोनों ही पैरों के बीच की जो दरार थी उसमें से गेंद फरार, चार रन। बल्लेबाज पंकज गोंदले ने अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार संदेश, इस बार की गेंद पर किया प्रहार, गेंद जाती है महज एक रनों के लिए, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, इस एक रन के साथ स्कोर कन्वर्ट होता हुआ, स्कोर परिवर्तित होता हुआ पांच रनों पर। यस, कमिटी चॉइस बॉल है, ये चीज ध्यान में रखिएगा आप। राउत इस क्षेत्र के हार्दिक पांड्या जी ने कहा जाता है, वेलकम। जाम लाम पटे काल फेरा कसं झालं, हजार ने दीड हजार रुपये भेटतात, हां फायदा नाही ना। इस बार प्रहार तो जरूर किया है और गेंद जाती है आउट ऑफ द पार्क, एक फुलते फाल्टी के बाद डंपिंग कैसे लगूं, हां ठीक है चल, हां तो पिंपला सा दिए लो फाल्टी के बाद। इस चेन के साथ स्कोर दर्शाता हुआ क्या वो ना नहीं ना बॉम्बे लोग ने उड़े लाम पर मुझे भी पाटो भी नहीं लगा रहे तो टोल पर बरल पाँच हजार तो इस बार ये अच्छा स्ट्रोक गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, एक और चार रन, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, इस चार रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है ये उदय पाटिल 15 रनों पर। आदमी वाडे भी लोते हैं कि चला है हां तुझे मुला वर्च लॉस है संदेश की इस बार सिंगल ट्राई किया है, गेंद जाती है लॉन्ग बाउंड्री की तरफ, चार रन के लिए, इस चार रन के साथ स्कोर दर्शाता हुआ एक ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन, हेलो एक ओवर 19 रन, जो भी विजेता टीम होगी वो ब्रह्मांड स्पोर्ट्स से खेलेगी नेक्स्ट मैच। आ जाना उनसे चल रहा है, अरे उनसे
वर्षी गेला ना आता वर्षी राहिला वर्षाचं भाडा कुठे विचार कर ना कवर झालता मी बाबा गाणार का तू गट्टर काढा पहिला गट्टर नाही काढला दादा आहे ना तो लगे दिवशी मारला यालाच मारलं ना चक्कर चलिए नए गेंदबाज आए हैं इस वक्त गेंदबाजी की कमाल पर राहुल गेंद हवा में और यहां पर कोशिश जरूर की थी लेकिन दो रन गलत से ज्यादा कुछ नहीं इतना पाटिल आए हैं बल्लेबाजी की कमाल पर काफी अच्छे बल्लेबाज हैं पंकज का बल्कि भी बहुत ही बढ़िया तरीके से साथ निभाते हैं अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है गेंद जाती हुई पॉइंट के क्षेत्र में बॉबी वहां पर मौजूद जब तक के थ्रो करते दो रन स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 23 रनों पर स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 23 रन इस ग्राउंड की अगर बात करें तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ग्राउंड इस वक्त एनसीसी स्पोर्ट्स का नजर आता हुआ और आने वाले वक्त में एक टूर्नामेंट आपको जरूर देखने मिलेगा जो कि हर साल 26 जनवरी के दिन ये टूर्नामेंट का आगाज करती है तो इस बार युगा भाऊ श्रद्धांजलि चषक के नाम से इस टूर्नामेंट को यहाँ पर सजाया और सवारा जाएगा एमसीसी स्पोर्ट्स के माध्यम से जिसकी इनामी राशि 1,00,000 रुपए रखी गई है सेकेंड प्राइज 50,000 चार इनामी राशि वाला ये टूर्नामेंट आपको जरूर यहाँ पर देखने मिलेगा और इसके जो मार्गदर्शन होंगे एमसीसी के सभी सदस्य सुशांत मुकादम हो संदेश हो अभिषेक हो योगेश हो या फिर बॉबी हो जितने भी एमसीसी के सदस्य हैं वो सभी इस टूर्नामेंट को सजाने और संवारने की जरूर कोशिश करते हैं और बिल्कुल आने वाली 26 जनवरी याद रखिएगा होगा स्टार्ट लगभग 24 तारीख के आसपास लेकिन 26 जनवरी जो दिन पड़ता है वो दिन यादगार दिन रहता है इस ग्राउंड के लिए और इस टूर्नामेंट का इंतजार करती है हर एक टीम उस टूर्नामेंट की इनामी राशि इस वक्त बढ़ाकर 1,00,000 रुपए रखी गई है गेंदबाज सज्ज होते हुए फिर से एक बार राहुल पंकज सामना करने के लिए तैयार राहुल का शॉर्ट पिच तो गेंद
ही ही, लेकिन उछाल कम थी। एक जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर दर्शाता हुआ 25 रन। और बिल्कुल इस वक्त सुनील स्पोर्ट्स की टीम परफॉर्मेंस कर रही है। सुनील स्पोर्ट्स वाड़मेर की अगर बात करें तो इस सीज़न में इस क्षेत्र में तीसरे क्रमांक की ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। अब तक के सेमी फाइनल तक के हमेशा पहुंचने वाली ये टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है योगा भाव एमसीसी स्पोर्ट्स के अगेंस्ट। इस बार रेंज में गेंद आई और ये गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर ने लगाई है छलांग और स्कोर कन्वर्ट हो चुका है 31। 31 रन। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार राहुल अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार तेज तर्रार गेंद करने की चाहत है लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ और इस वक्त अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होगा जरूर। फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार पंकज। इस बार 20 टाइमिंग सो गेंद का भी समय तक के हवा में और यहां पर गेंदबाज राहुल ने इस कैच को लपका और एक डेंजर बैट्समैन पवेलियन की राह लौटने पर मजबूर किया। एक बड़ा झटका लगा है जरूर इस वक्त सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल की टीम को। तो बिल्कुल सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल की अगर बात करें तो इनकी टीम के जो एक सीनियर खिलाड़ी माने जाते हैं लेजेंड खिलाड़ी गणेश मनेरा साहब, उनके मार्गदर्शन में दोस्तों आपको जनवरी की एंडिंग में डी आर चषक 2020 जरूर देखने मिलेगा। 5 दिन की वो प्रतियोगिता 32 टीमें पार्टिसिपेट करती है और ये आपको रणजीत के ग्राउंड पर जरूर देखने मिलेगा ये टूर्नामेंट। और हर साल इस क्षेत्र में जितने भी टूर्नामेंट्स रखे जाते हैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर देखने मिलता है और इनामी राशि भी हर साल बढ़ती रहती है। जिस तरीके से अगर हम बात करें राजू भाई स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा ट्रॉफी को, क्या खूबसूरत आयोजन और नियोजन यहाँ पर किया है और इस साल थोड़ी सी इनामी राशि बढ़ी भी है। गए टाइम 50,000 की इनामी राशि थी और इस बार देखिए तब्दीली आई है, 20,000 बढ़ गए हैं और 24 टीमों में इनामी राशि रखी है। ये बहुत बड़ी सुनहरी सभी रहेगी सभी टीमों के लिए। चल आइए अगर बात करें उनके और टीम मेंबर्स ने क्या होता है, खासकर स्टेज जो बना है वो लाजवाब। बिल्कुल अगले साल 1,00,000 के आसपास ये इनामी राशि जाएगी और कोशिश रहेगी मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक या फिर कुछ ना कुछ एक बड़ा अमाउंट हम कोशिश यानी हमारी टीम कोशिश करेगी सीरीज के लिए। अंगूठा सूजा हुआ है लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए पसीना बहा रहे बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है क्रिकेट में 3 चीजों का योगदान होना जरूरी है, सबसे पहले तन, उसके बाद मन और तीसरा धन। लगना जरूरी है तब जाकर एक अच्छी टीम बनती है और अच्छी टीम इस वक्त खेती भी नजर आ रही है दोनों ही, क्योंकि योगा भाव एमसीसी वर्सेस सुनील स्पोर्ट्स वाक भी। इस बार बड़ा हिट करारा प्रहार गेंदबाज का अच्छा गेंद आउट ऑफ द पार्क 6 रन। बड़ा हिट स्कोर की अगर बात करें स्पोर्ट्स वाकबी का टॉस
जीता था बॉबी वुड ने और इशारों इशारों में कहा था कि हम गेंदबाजी करेंगे, लेकिन गेंदबाज उनके खरे साबित नहीं होते हुए और इस वक्त बल्लेबाज अटैक का अटैक उनका जारी जीतकर आए हैं न्यू बैट्समैन के रूप में। और क्या बैटिंग कर रहे हैं, हर गेम पर प्रहार करने की कोशिश इस बार देखिए, पीले तरीके से गेम को फिर करने की चाहत जरूर थी। अमिताभ भोईर वहां पर मौजूद थे और क्या फील्डिंग की है, यंगस्टर खिलाड़ी है 18-19 साल के, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं। अगली गेम लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर देखने मिलता हुआ, लेकिन एक रन यहां पर पूरा किया है, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। कॉम्बिनेशन की अगर बात करें बैट्समैनों के बीच बहुत बढ़िया इस वक्त नजर आता हुआ, हर बॉल पर जो चाहत है उसमें सक्षम और कामयाब हो रहे हैं, हर बॉल पर रन यहां पर ले रहे हैं। और देखिए किस तरीके से फील्डिंग को सेट किया जाता है जब लेफ्ट हैंडर और राइट हैंड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन विकेटों के बीच में नजर आता है, हर तरीके से गेंद पर फील्डिंग को सेट किया जा रहा है। लेकिन जो भी टीम यहाँ पर खेल रही, जो दर्शक आए हैं, मैं उन्हें जरूर बताना चाहूंगा ये दोनों ही बड़ी टीमें हैं, सुशांत मुकादम जैसे डेंजर बैट्समैन इनके पास मौजूद है इस वक्त, रन कोई भी बनाए लेकिन सेफ आंकड़ा नहीं माना जाएगा। इस बार ये देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक के हवाले और यहाँ पर राहुल ने कोशिश जरूर की थी लेकिन नाकामयाबी हाथ रखी हुई। अरे पीछे मनीष थे, अगर मनीष कॉल देते तो शायद चांस बन सकता था कैच का। अरे बिंदास मार कर विजल। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त कन्वर्ट होता हुआ 48 रन, आज का हाईएस्ट स्कोर 48 रन, कल के दिन की अगर बात करें तो 60 रन हाईएस्ट स्कोर देखने मिला था और आज के दिन अब तक के 48 रन। तीसरा ओवर जारी, तीसरे ओवर की जिम्मेदारी जो कि मारुति के कांधों पर है, मारुति की अगर बात करें तो एक किफायती गेंदबाज माने जाते हैं योगा भाऊ एमसीसी स्पोर्ट्स के, लेकिन उनकी ओवर में पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे सिक्स, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर ट्रिपल, यानी रनों की लूट यहां पर देखने मिली है। और सुनील स्पोर्ट्स की बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है ये क्षेत्र। अगली गेंद को लेकर तैयार मारुति, बार बार हिट लगाने की चाहत थी, जाती हुई डीप कवर के क्षेत्र में 6 रनों के लिए, व्हाट अ हिट, क्या बात है। इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड है तनुजा की जो नाइट टूर्नामेंट होती है जहां पर दर्शकों को पैर रखने की जगह नहीं मिलती, उस जगह पर 6 गेंदों पे 6 सिक्स का रिकॉर्ड ने बरकरार किया था। अंतिम और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेते हुए इस वक्त सुशांत मुकादम, पहली गेंद सुशांत मुकादम की ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर है 55 रन, यानी 50 रनों का जादू आंकड़ा क्रॉस हो चुकी है ये टीम। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार देखिए बैट को पहले स्विंग किया, गेंद पीछे से डिलीवर होती हुई, स्पिन यानी फिरकी गेंदबाज देख रहे हैं आप इस वक्त सुशांत मुकादम को, डेंजर बैट्समैन और स्पिन गेंदबाजी।
प्रहार किया जरूर एक जगह क्षेत्र में बिल्कुल वहां पर दुर्घटना जरूर घटी है जिसकी सभी गाड़ी पार हो जरूर ध्यान दें अगर कुछ गाड़ियों का नुकसान वहां पर हुआ है तो आप कमेटी से आके संपर्क के साथ अपनी पार्किंग की पावती दिखाइए और आपका जो नुकसान हुआ है वो ले जाइए ब्यूटीफुल डिलीवरी अच्छा कमबैक जरूर देखने मिलता हुआ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं भले से एक बड़ा हिट देखने मिला है लेकिन एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है वो कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त सुशांत मुकादम इस बार ये गेंद डॉट डिलीवरी व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी क्या बात है एक छह लगने के बाद जो वापसी की है यहाँ पर सुशांत मुकादम ने वो रही लाजवाब चेतन फिर से एक बार सामना करने के लिए सज्ज होते हुए इस बार थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी लेज में आई और इस पर कर रहा किया था प्रहार लेकिन गेंद नहीं जा पाई आउट ऑफ द पार्क काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन एक छह लगने के बाद मान लीजिए तीन नहीं बल्कि तीन गेंदे यस सर यहाँ पर दो गेंदे डॉट के रूप में एक गेंद विकेट के रूप में रही न्यू बैट्समैन आए हैं इस पर नंदू पाटिल एक बड़ा सितारा इन्हें माना जाता है परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी इस वक्त विकेटों के बीच में नजर आता है नंदू पाटिल लॉन्ग स्ट्राइक हैंग पर है नंदू स्ट्राइक पर है इस वक्त सेट बैट्समैन केतन पाटिल अंतिम और आखिरी गेंद आना बाकी है इस वक्त सुशांत मुकादम की सामना करने के लिए तैयार होते हुए पूरी तरीके से बल्लेबाज यहां पर केतन पाटिल इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी प्रहार किया लेकिन वहां पर अमित मौजूद खूबसूरत कैच विकेट का बताया क्या बेहतरीन ओवर अंतिम और आखिरी ओवर के तीसरी गेंदबाज कहा जा सकता है सुशांत मुकादम को दो विकेट लेकर 7 रन जिसमें